ओम नमः शिवाय। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आपकी राशि, आपका भविष्य 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार क्या है आपके नसीब में जानते हैं। मेष राशि, वाणिज्यिक मामलों में स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं। आकस्मिक परिस्थितियों पर नियम अनुशासन बढ़ाएं। रिश्तेदारों का सहयोग समर्थन रहेगा। कार्या को स्पष्टता लाएं। बजट पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। न्यायिक मामलों में चूक करने से बचें। सूझबूझ से आगे बढ़ें। बड़ों का सहयोग रहेगा। अति उत्साह में न आएं। विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें। आर्थिक पक्ष पर फोकस बढ़ाएंगे। खर्च निवेश में तेजी आएगी। कामकाज पूर्ववत बना रहेगा। दूर देश के मामलों में पहल बनाए रखेंगे। शुभ अंक 6 और 9। शुभ रंग लाल। आज का उपाय, शिवजी का स्मरण बनाए रखें, बिगड़े काम बन जाएंगे। आपके लिए खास उपाय, अगर किसी व्यक्ति की नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। वृष राशि, आर्थिक और औद्योगिक प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे। प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे। बड़े लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी। उन्नति के अवसर बने रहेंगे। कामकाजी गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी। अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे। तेजी से काम लेंगे। परिजनों से भेंट होगी। अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरे करेंगे। शासन के कार्या को आगे बढ़ाएंगे। प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा। सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे। उल्लेखनीय कार्य बनेंगे। निसंकोच आगे बढ़ेंगे। शुभ अंक 6 और 9। शुभ रंग गुलाबी। आज का उपाय, शिवजी का स्मरण बनाए रखें, बिगड़े काम बन जाएंगे। आपके लिए खास उपाय, अगर किसी व्यक्ति की नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। मिथुन राशि, योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे। लगन से लक्ष्य पाएंगे। पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा। प्रबंधकीय गतिविधियों से जुड़ेंगे। व्यवस्थागत संतुलन रखेंगे। सुख संसाधन बढ़ाएंगे। योजनाओं के अनुपालन में सफल रहेंगे। बढ़पन बनाए रखेंगे। पैतृक विषय गति पाएंगे। उपलब्धियां हासिल करेंगे। लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे। निसंकोच आगे बढ़ेंगे। सक्रियता से कार्य करेंगे। प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे। अधिकारी वर्ग प्रसन्न बना रहेगा। पारिवारिक एवं सहकारिता के मामलों को बल मिलेगा। शुभ अंक 2 और 5। शुभ रंग फिरोजी। आज का उपाय, शिवजी का स्मरण बनाए रखें, बिगड़े काम बन जाएंगे। आपके लिए खास उपाय, अगर किसी व्यक्ति की नकारात्मक या कमजोर स्थित हो
तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है, साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। कर्क राशि, भाग्य की अनुकूलता बढ़ाने वाला समय हुआ है। लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी। इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी। सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे। निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे। धर्म आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा। मनोरंजक कार्या में शामिल होंगे। तेजी से आगे बढ़ेंगे। आय अच्छी रहेगी। उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा। कार्य कुशलता बढ़ेगी। कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे। श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे। महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे। लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे। शुभ अंक 2 और 9। शुभ रंग हल्का गुलाबी। आज का उपाय, शिवजी का स्मरण बनाए रखें, बिगड़े काम बन जाएंगे। आपके लिए खास उपाय, अगर किसी व्यक्ति की नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है, साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। सिंह राशि, चर्चा संवाद में विनम्रता बनाए रखें। अपनों से की बात ध्यान से सुने। व्यवस्थित दिनचर्या बढ़ाएं। स्वास्थ्य संकेतों में लापरवाही नहीं दिखाएं। व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें। भेंट वार्ता के लिए समय लेकर जाएंगे। परिवार में सुख सौख्य रहेगा। परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे। अप्रत्याशित घटनाक्रम रह सकता है। सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे। करीबियों का सहयोग बना रहेगा। जिम्मेदारों के प्रति विश्वास बनाए रखेंगे। आवश्यक कार्या पर फोकस बढ़ाएंगे। अनुशासन अपनाएंगे। शुभ अंक 1 और 9। शुभ रंग चेरी। आज का उपाय, शिवजी का स्मरण बनाए रखें, बिगड़े काम बन जाएंगे। आपके लिए खास उपाय, अगर किसी व्यक्ति की नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है, साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। कन्या राशि, उद्योग व्यापार में विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। सफलता की संभावना बनी रहेगी। नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे। साझेदारी के कार्या को पूरा करेंगे। साथियों के साथ सहयोग रखेंगे। सहकारिता की भावना का विकास होगा। महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक रिश्ते मजबूत होंगे। आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे। निसंकोच आगे बढ़ेंगे। निजी विषयों को हल निकालेंगे। आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे। अवसरों का लाभ उठाएंगे।
निजी जीवन खुशहाल रहेगा। शुभ अंक 6 और 8। शुभ रंग समुद्री। आज का उपाय, शिवजी का स्मरण बनाए रखें, बिगड़े काम बन जाएंगे। आपके लिए खास उपाय, अगर किसी व्यक्ति की नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है, साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। तुला राशि, विपक्ष की सक्रियता कार्य प्रभावित कर सकती है। करियर व्यापार में रूटीन संवारेंगे, विनम्रता एवं सहकारिता बनाए रहेंगे, परिश्रम से परिणाम बेहतर बनेंगे, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, कार्यात्मक स्पष्टता बढ़ाएंगे, नए लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें, जल्द प्रतिक्रिया न दें, तार्किकता पर जोर दें, कामकाज में फोकस बनाए रखें, उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं, अनुशासन पर बल रखेंगे, सजगता बढ़ाएंगे, कौशल और कर्मठता पर भरोसा बढ़ेगा। शुभ अंक 7 और 8। शुभ रंग स्काई ब्लू। आज का उपाय, शिवजी का स्मरण बनाए रखें, बिगड़े काम बन जाएंगे। आपके लिए खास उपाय, अगर किसी व्यक्ति की नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है, साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि, परिस्थितियों का सामना मनोबल और उत्साह से करेंगे। करीबियों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे, ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा, चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे, बुद्धिमत्ता से जगह बनाएंगे, प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे, वातावरण में अनुकूलन उत्साहित रखेगा, विषयगत समझ बेहतर होगी, अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे, सबका साथ सहयोग बना रहेगा, करियर कारोबार आगे बढ़ेंगे, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। शुभ अंक 3 और 9। शुभ रंग सिंदूरी। आज का उपाय, शिवजी का स्मरण बनाए रखें, बिगड़े काम बन जाएंगे। आपके लिए खास उपाय, अगर किसी व्यक्ति की नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है, साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। धनु राशि, परिवार के बड़ों का सानिध्य बढ़ाएं, सामंजस्य और सुविधाओं पर फोकस रहेगा, भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे, अपनों को अनदेखा न करेंगे, निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी, जरूरतों पर ध्यान देंगे,
निजी मामलों में सहजता रहेगी। धैर्य से काम लें। स्वजनों से करीबी बढ़ेगी। प्रतिक्रिया में विनम्रता रखें। घरेलू मामलों में अनुभवियों से सीख सलाह रखें। सजगता से आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का आदर सम्मान रखेंगे। भवन वाहन के मामले संवरेंगे। बड़प्पन से काम लें। शुभ अंक 3 और 5। शुभ रंग गुलाबी। आज का उपाय: शिवजी का स्मरण बनाए रखें, बिगड़े काम बन जाएंगे। आपके लिए खास उपाय: अगर किसी व्यक्ति की नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। मकर राशि: शुभ सूचनाओं का संचार बेहतर बना रहेगा। भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी। जन सरोकारों से जुड़ाव रखेंगे। भव्य आयोजन में शामिल होंगे। कार्य व्यापार बना रहेगा। संवाद में बेहतर करेंगे। व्यवहार प्रभावशाली रहेगा। जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे। सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे। वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे। आत्मविश्वास को बल मिलेगा। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच रहेगी। साहस संपर्क बढ़त पर रहेगा। सामाजिक स्तर बड़ा होगा। शुभ अंक 1 और 7। शुभ रंग सिल्वर। आज का उपाय: शिवजी का स्मरण बनाए रखें, बिगड़े काम बन जाएंगे। आपके लिए खास उपाय: अगर किसी व्यक्ति की नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। कुंभ राशि: पारिवारिक मामले अनुकूल रहेंगे। व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी। रहन सहन सुधार पर बना रहेगा। अतिथि आगमन बना रह सकता है। खान पान प्रभावशाली रहेगा। सभी का आदर सम्मान रखेंगे। संरक्षण में रुचि रहेगी। बचत पर जोर बनाए रखेंगे। आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। शुभ सूचना मिलेगी। बड़प्पन बनाए रखेंगे। आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे। अच्छे होस्ट बने रहेंगे। महत्वपूर्ण वार्ता सफल होगी। परंपरागत कार्या से जुड़ेंगे। मूल्यवान भेंट मिलेगी। परिजन सहयोगी रहेंगे। शुभ अंक 6 और 8। शुभ रंग जमुनिया। आज का उपाय: शिवजी का स्मरण बनाए रखें, बिगड़े काम बन जाएंगे। आपके लिए खास उपाय: अगर किसी व्यक्ति की नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें।
ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। मीन राशि, वचन का पालन बनाए रखेंगे, संवेदनशीलता और रचनात्मकता बढ़ेगी, दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी, महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, चहुंओर शुभता का संचार बना रहेगा, वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा, आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी, व्यक्तित्व बल पाएगा, लंबित मामले पक्ष में बनेंगे, इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी, सक्रियता व सहयोग बढ़ाएंगे, लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे, निसंकोच आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। शुभ अंक 2 और 7। शुभ रंग गोल्डन। आज का उपाय, शिवजी का स्मरण बनाए रखें, बिगड़े काम बन जाएंगे। आपके लिए खास उपाय, अगर किसी व्यक्ति की नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए, साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है, साथ ही गुरु ग्रह की कृपा आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे।